गुरु बिक्स में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी पढ़ें। तो मान लीजिए हमारे पास दो इवेंट हैं किसी सैंपल स्पेस एस के, ए और बी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमने कैसे में डिस्क्राइब किया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन इवेंट बी हैज अकर्ड इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। मान लीजिए ये इक्वेशन वन है, तो यहां से हम P ऑफ A इंटरसेक्शन B को कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B। A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या हुआ, दोनों के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, दैट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B हैज अकर्ड। सिमिलरली हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज अकर्ड इसे कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए क्या होता है, या ए इंटरसेक्शन बी हो या बी इंटरसेक्शन ए हो, बात एक ही होती है। सो वी कैन राइट इट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और यहां से आपको ए और बी की क्या प्रोबेबिलिटी मिलेगी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज अकर्ड। तो मान लीजिए कि इक्वेशन टू है और ये इक्वेशन थ्री है, तो अगर हम इक्वेशन टू और इक्वेशन थ्री को कंबाइन करें तो हमें क्या मिलेगा, कंबाइनिंग इक्वेशन टू एंड थ्री प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी When A has occurred is equals to, ये किसके बराबर है, इसके बराबर, और किसके बराबर है, that is equals to probability of B into probability of A by B, that is equals to probability of B into probability of A by B, provided that probability of A should not equals to zero and probability of B should also not equals to zero। आप यहां से देख सकते हैं कि probability of A और probability of B ये दोनों जीरो नहीं हो सकते, isn't it? तो अगर हमारे पास दो इवेंट है A और B, तो उन दोनों इवेंट की एक साथ होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इसे हम मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी से देते हैं। दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। मान लीजिए हमारे पास तीन इवेंट है ए बी और सी, तो उनकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इन तीनों इवेंट की एक साथ अकर होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, दैट इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाय ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेंगे, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाई ए इंटरसेक्शन बी, ओके। और सिमिलरली अगर आपके पास चार इवेंट है उनके होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप इसे ऐसे ही लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि हम किन्हीं दो इवेंट या दो से अधिक इवेंट की एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी,
ये हम मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी से देते हैं. दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी.